इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि एलटी मोटर हमेशा डेल्टा कनेक्टेड क्यों होती है। पिछली वीडियो में हमने देखा कि एचटी इंडक्शन मोटर की वाइंडिंग स्टार में क्यों की जाती है। उसमें हमने देखा कि स्टार कनेक्टेड वाइंडिंग की इंसुलेशन की कॉस्ट कम होती है और स्टार्टिंग करंट भी कम होता है। पर यहाँ पर बात करें एलटी मोटर यानी लो टेंशन मोटर की, जिसमें ऑपरेटिंग वोल्टेज 230, 415 या 690 वोल्ट होता है। लो वोल्टेज होने पर यहाँ पर स्टार कनेक्शन या डेल्टा कनेक्शन में इंसुलेशन की कॉस्ट ऑलमोस्ट सेम ही आएगी, या हम सेम मोटर को स्टार या डेल्टा में कनेक्शन करके चला सकते हैं। दूसरा ये है कि स्टार कनेक्शन में स्टार्टिंग करंट कम होता है, पर एलटी मोटर में फुल लोड करंट वैसे भी एचटी इंडक्शन मोटर के मुकाबले कम होता है, जिसे हम आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ तक हमने देखा कि एलटी मोटर्स में स्टार या डेल्टा कनेक्शन में कोई ज़्यादा कॉस्ट का डिफरेंस नहीं होता, तो फिर हम एलटी मोटर्स को डेल्टा में क्यों कनेक्ट करते हैं? तो इसका आंसर है कि जब हम मोटर को स्टार कनेक्शन में चलाते हैं तो मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क लो होता है, जो हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। और बात करें डेल्टा कनेक्शन की, तो उसमें ज़्यादा स्टार्टिंग करंट के कारण डेल्टा कनेक्शन में स्टार्टिंग टॉर्क हमें स्टार कनेक्शन के मुकाबले ज़्यादा मिलता है। तो इस कारण से हम एलटी मोटर्स को मोस्टली डेल्टा कनेक्शन में चलाते हैं। उम्मीद है कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।